हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट हैं। भाई अगर वीडियो के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो दैन प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सभी को पता है जो कि इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर कंसेप्ट रीड करते हैं, रेगुलरली कोई ना कोई टॉपिक पर हम वीडियो लाते हैं। तो अगर आप कोई भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो दैन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, दैन उस पर भी हम ला सकते हैं। करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए जहाँ पर हमारी फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई, वेयर इज़ द फर्स्ट इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज बिगेन ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया फ्रांस एंड यूएई के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी, फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इन दी गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान में इंडिया फ्रांस यूएई ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर तीनों फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया और इंडियन नेवी की जो फ्रिगेड है हमारी आईएनएस तर्कश ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ओके जी, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, फर्स्ट टाइम हो रहा तभी तो। अब देखो गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर हम इसके, ये रहा अरेबियन सी, इसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा ओमान, ओमान के ऊपर यहाँ पर क्या है, ये गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है जी। और यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ एडन एंड यहाँ पर रेड सी, जहाँ पर हमारा स्विज कैनाल आएगी, ओके, जहाँ पर आएगा डेड सी, ओके। कुछ आपको जोग्राफिकल एस्पेक्ट पता होने चाहिए। अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको मैप के बारे में पता है, देन आपको आसानी होगी कंसेप्ट को समझने में। देन देखिए यहाँ पर सोरिंग ईगल एक्सरसाइज। सोरिंग ईगल एक्सरसाइज जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया था और कंडक्ट किया गया था? यहाँ पर साउथ कोरिया हमारी जो कंट्री है उसके एयरफोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। मेनली उनकी इंडिजीनियस सभी फोर्सेस के बीच में, मीन्स कि उनकी एयरफोर्स की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी जो कि मेनली नॉर्थ कोरिया का जो थ्रेट है उसको कैसे हम आने वाले टाइम में वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कंडक्ट की थी। मेनली यहाँ पर अदर कोई कंट्री नहीं है, ओनली साउथ कोरिया ने ही यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेम ध्यान में रखियो, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कई बार। देन यहाँ पर देखिए आसियान इंडिया का मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ। बताइए कौन सी कंट्री के बीच में, सॉरी कहाँ पर ये कंडक्ट हुआ, कौन सी कंट्री में ये बिगिन हुआ? आसियान ग्रुप का पार्ट इंडिया नहीं है, सभी को पता है। यहाँ पर जी सिंगापुर में कंडक्ट हुआ था। इंडिया और सिंगापुर दोनों का एक जॉइंट है, इन्होंने जो इसको होस्ट किया था, जो सिंगापुर का चांगी नेवल बेस है वहाँ पर इसको होस्ट किया गया था। ओके जी, सिंगापुर नेवी एंड इंडियन नेवी के द्वारा, और आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुरा ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस दिल्ली इम्पोर्टेंट है, क्यों? ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल, जो गाइडेड मिसाइल कोई भी टारगेट की जाती है इसकी ओर, देन उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, जी डिस्ट्रॉयर है। ओके, ध्यान में रखना भाई, जो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। देन देखिए यहाँ पर समुद्र शक्ति जो कि 2023 में कंडक्ट हुई थी। एक बायलैटरल दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है, इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में बताओ? ये कंडक्ट हुई थी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। इम्पोर्टेंट है भाई, समुद्र शक्ति 2023 में इसका 4th एडिशन था। इंडिया और इंडोनेशिया की नेवल एक्सरसाइज है, कहाँ पर कंडक्ट हुई? इन दी बत्तम, इंडोनेशिया में। आपको से ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, इंडोनेशिया की कैपिटल बताइए। प्लीज़ बताना भाई। अब इसकी न्यू कैपिटल बन चुकी है, उसको भी बताना, और जो हमारी पहले हुआ करती थी उसको भी बताना। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है जी। देन ASW कॉर्बिट, साथ ही में INS कवित्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ओके, और हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बताओ हरि कुमार। इनको थोड़ा सा रिवाइज करना क्योंकि जो करंट जो ना एक स्टैटिक जीके है, इसके भी पूछने के चांस बन जाते हैं। कोई एग्ज़ाम देखो सिंपल एग्ज़ाम होगा, कोई क्लर्क बेस होगा, हम वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो, जकार्ता इसकी कैपिटल हुआ करती थी पहले, और करेंसी यहाँ पर रुपया। सो जो न्यू यहाँ पर जो कैपिटल बन चुकी है अभी उसको बताना, जो हमारा जो एक ऑरेंज नहीं खाते हम, सो उसके जैसा उसका नेम है। ऑरेंज का एक हाइब्रिड ब्रीड है हमारी संतरा, सो उससे रेट करता है। सो बहुत कुछ बता चुका हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देन देखो ये तो रहा समुद्र शक्ति, यहाँ पर क्या है सुदर्शन शक्ति। ये रहा समुद्र शक्ति, ये रहा सुदर्शन शक्ति, सो दोनों डिफरेंट है। समुद्र शक्ति तो हम इंडोनेशिया के साथ में करेंगे, नेवल एक्सरसाइज है, और सुदर्शन शक्ति जो कि इंडिया की एक सप्ता शक्ति कमांड के द्वारा इंडियन आर्मी की जो कंडक्ट हुई थी राजस्थान एंड पंजाब में। सो मेनली हमारी इंडिया की आपस में मीन्स कि इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था अपनी प्रैक्टिस को, ठीक है। यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे अडोप्ट कर सकेंगे उसको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, ओके। सो दोनों का नेम डिफरेंट है भाई, दोनों को ध्यान में रखिए। समुद्र शक्ति यहाँ पर है, सुदर्शन शक्ति यहाँ पर है। सुदर्शन शक्ति जो इंडियन आर्मी के बीच में न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए सप्त शक्ति कमांड के द्वारा कंडक्ट हुई थी राजस्थान और पंजाब में। समुद्र शक्ति हिंदी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट चलते हैं अल मोहिद अल हिंदी। अल मोहिद अल हिंदी बताओ, सो ये हम कहते हैं हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद। सेकंड एडिशन था, नेवी एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी एंड सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में कंडक्ट हुई। कहाँ पर हुई? इन दी सऊदी अरेबिया में। सो यहाँ पर आईएनएस तर्कश, आईएनएस सुविद्रा ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ओके जी। देन ना अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर 2022 में जो भी कंट्री ने यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सिप्री के द्वारा निकाली जाती है। यहाँ पर बताया गया भाई जो इंडिया 4th नंबर पर है जो हमारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर, ओके। सो यहाँ पर टॉप पर तो यूएसए, देन चाइना, देन रशिया। और जो हम एक ना रिपोर्ट पहले भी आई थी इंपोर्ट को लेकर, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्री को ना इंडिया किससे करेगी? रशिया से करती है। और देन यहाँ पर इंडो पैसिफिक में सेल्फ रिलायंट को लेकर जो अपने डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं, सो उसमें इंडिया रहा था 4th नंबर पर। टॉप पर कौन सी कंट्री थी? यहाँ पर चाइना। ये हमारे तीन रिपोर्ट हैं भी डिफरेंट। तीनों रिपोर्ट्स मैंने आपको इकट्ठी यहाँ पर बता दी, इन सभी को रिवाइज कर लेना। देखो जो डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें तो इंडिया 4th नंबर पर, लेकिन जो इंपोर्ट को लेकर टॉप पर है, 1st नंबर पर है डिफेंस आइटम को। देन यहाँ पर इंडो पैसिफिक इन दी सेल्फ रिलायंट को यहाँ पर ना क्या करेंगे जो आने वाले टाइम में जहाँ पर सबसे आगे यूक्रेन के होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सा जहाँ पर इम्पोर्ट कर रहा है वो। देन देखो इंडो पैसिफिक में सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी सब 12 कंट्रीज़ हैं उनमें से इंडिया 4th नंबर पर है। देन देखिए बुलंद भारत एक्सरसाइज। बुलंद ये भी क्या है? हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट हुई थी। मेनली अपने जो आर्टिलरी रेंज है, आर्टिलरी सिस्टम है, उसको टेस्ट करने के लिए इन दी ईस्टर्न थिएटर में। सो ठीक है, सो इंडियन आर्मी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट हुई थी बुलंद भारत एक्सरसाइज। देन एक्सरसाइज जल शक्ति, जल राहत कंडक्ट हुई थी। ये भी हमारी इंडिया की अपने आप हुई थी असम में। सो इंडियन यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी ने, एनडीआरएफ ने एंड साथ ही में सीडीआरएफ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सो ये क्यों करते हैं? मेनली तो क्योंकि कभी देखो कोई ऐसा डिज़ास्टर आए, देन सभी की कोलैबोरेशन इम्पोर्टेंट है। जब हमारे पास पहले एक्सरसाइज होगी कैसे भी हम इनको ऑपरेट करेंगे, आने वाले टाइम में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, देन सभी जो हमारे यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर इकट्ठे काम करने में आसानी होती है, ओके जी। सो जल राहत असम में कंडक्ट हुई इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ एंड सीडीआरएफ के द्वारा। सो यहाँ पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट किए। मेनली आपको पता होगा ना जो असम है वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा में ना फ्लडिंग आती रहती है। जो चाइना की ओर से वाटर जहाज छोड़ने के कारण वहाँ फ्लड आने के चांस बढ़ते हैं। सो दैट्स वाई पहले यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई, कभी ज़रूरत पड़ेगी देन हमें आसानी होगी। देन ओरियन ये 2023 में कंडक्ट हुई थी। बताओ कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पर कंडक्ट हुई? फ्रांस में कंडक्ट हुई। सो फ्रांस ने इसको होस्ट किया था। और जो राफेल है हमारे, राफेल हमने फ्रांस से लिए थे, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। सो इंडियन रफाल्स ने नाटो के साथ में जो कंट्रीज़ के साथ में यहाँ पर एक्सरसाइज कीजिए वॉर गेम्स की, ठीक है जी। सो यहाँ पर ना इंडिया के जो फर्स्ट राइफल लेडी हैं जिनका नेम है शिवांगी सिंह, इन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। बताओ कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? सो बिलोंग करते हैं विद बिहार। सो भाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ ध्यान में रखियो, पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के चांस है क्योंकि वुमेन्स हमारी इम्पोर्टेंट हैं। सो अब वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए बहुत से काम चल रहे हैं। सो फिर भी एक फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से। देन देखिए अजय वॉरियर। सो कौन सी कंट्रीज करती हैं? इंडिया करेगा, साथ में यूके करेगा। सो 7th एडिशन कंडक्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? यूके में कंडक्ट हुआ था। सो यहाँ पर हमारी जो यूके एंड इंडिया ने जो 2021 में एवरी 2 ईयर के बाद में कंडक्ट होती है, 2021 में कंडक्ट हुई थी इन दी उत्तराखंड में। अब देखो ना अजय बोरियर करते हैं, साथ ही में कोंकण एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अजय बोरियर हमारी जो मिलिट्री है, कोंकण जो हमारी नेवी है। देन एक और भी आएगी कोबरा वॉरियर, ठीक है। देन लॉक्ड शील्ड। सो ये ऐसी एक्सरसाइज है ना जो कि मेले के साइबर सिक्योरिटी को लेकर नाटो के द्वारा हुई थी। सो वर्ल्ड के लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट हुई नाटो के द्वारा इन दी इस्टोनिया में। सो मेरे 38 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। भाई जो देखो जो नाटो है एक ऐसी अलायंस है जो कि मेनली कोई भी कंट्री जो 31 मेंबर है नाटो के उन पर अटैक करेगी, देन वो सभी कंट्रीज इकट्ठा उस पर अटैक कर देंगी। और 31st अभी हाल ही में जो मेंबर बना था वो कौन सा है बताओ? जी है फिनलैंड, जिसके जो PM है वहाँ पर सना मारीन। नाटो फाउंड हुआ था ऑन दी 4 अप्रैल 1949 को, और फाउंडर इसके USA, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली। सो मेनली ना जो देखो G7 कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? जो पांचों कंट्री तो जे होंगी, साथ ही में इसके जापान होएगा और साथ ही में एक होगी जर्मनी। सो इन दोनों को छोड़कर जे भाई पांचों कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? ब्रूसिल, बेल्जियम में। वहीं पर होंगे यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट चलिए जो इंडो थाई कॉर्पिट एक्सरसाइज हुई थी। सो इंडो मीन्स कि इंडिया, थाई मीन्स थाईलैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी। इंडियन नेवी साथ में रॉयल थाई नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अंडेमान सी में हमने इसको कंडक्ट किया था, ठीक है जी। सो मेनली नेम ध्यान में रखियो, कहाँ पर कंडक्ट हुई ये ध्यान में रखियो। देन बताओ अभी जो हुई थी अभी हाल ही में कोप इंडिया एक्सरसाइज, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? कौन सी स्टेट में? ये कंडक्ट हुई थी इन दी वेस्ट बंगाल में। सो यहाँ पर हमारी इंडियन एयरफोर्स साथ ही में USA की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी। सो जो हमारा काकीकुंडा एयरबेस है इन दी वेस्ट बंगाल, वहाँ पर कंडक्ट की गई इस एक्सरसाइज को, और साथ ही में जापान यहाँ पर ऑब्जर्वर रहा था। देन कुछ इंडिया और USA के बीच में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज जैसे कि युद्ध अभ्यास 2022 में कंडक्ट हुआ था ओली उत्तराखंड में, वज्रप्रहार 2022 में कंडक्ट हुई थी कलोल हिमाचल प्रदेश में, रिमपैक रिम ऑफ पैसिफिक जो कि हवाई आइलैंड्स में कंडक्ट हुई थी, टाइगर ट्रम्प 2022 में इन दी विशाखापट्टनम में, संगम एक्सरसाइज जो कि 7th एडिशन हुआ था 2022 में इन दी गोवा जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है। देन तर्कश जो चेन्नई में कंडक्ट हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड साथ ही में USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में 2023 में कंडक्ट हुई थी, ओके। देन देखिए भाई नेक्स्ट मालावर एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। इसमें से बताओ कौन कौन सी कंट्रीज़ को इसमें पार्टिसिपेट करती हैं? इंडिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। सो राइट आंसर क्या होगा? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। सो 1st, 3rd, 4th एंड 5th जी जहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं भी सभी। सो फर्स्ट टाइम जो कि 2023 में फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इसको यहाँ पर होस्ट करेगा। देन देखो क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, नेवल हमारी एक्सरसाइज है। मालावर नाम का कोस्ट भी पड़ता है भाई हमारी पेनासुला है यहाँ पर गुजरात से लेकर। सो यहाँ पर गोवा तक तो है कोंकण कोस्ट जो कोंकण नाम की एक्सरसाइज करते हैं विद यूके के साथ, और नीचे यहाँ पर कौन सा है? मालाबार कोस्ट, जिसके साथ में एक्सरसाइज होगी क्वाड कंट्रीज़ के बीच में। सो नेम थोड़े से इंपॉर्टेंट ध्यान में रखियो। 2023 में इसका 27वां एडिशन है, इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है। 2022 में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? जापान। सी ड्रैगन एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं, बताओ कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था 2023 में, बताइए। सो इसको होस्ट करने वाली कंट्री यूएसए थी। एक यहाँ पर ना हमारी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। इंडियन नेवी ने यहाँ पर जो P-81 हमारा एयरक्राफ्ट है, इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी। सो एक मल्टीनेशनल है ये, यूएसए नेवी जापान के साथ में कनाडा सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले थे। इंडियन नेवी ने रिसेंटली में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, टुक प्लेस की थी फ्रॉम नवंबर 22 से लेकर मार्च 2023 तक। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ये। सो इसका नेम बता दीजिए। सो इंडियन नेवी ने ही मेनली कंडक्ट की थी, कई भी और कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो यहाँ पर ऑपरेशन ट्रोपेक्स, सो थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज है जो कि एक बिगेस्ट वॉर गेम्स है हमारे इंडियन नेवी के, जो कि अरेबियन सी में हमने कंडक्ट की थी भाई। देन 3rd एडिशन हुआ था लाप्रोस का। सो बताओ कौन सी कंट्री ने जी ऑर्गेनाइज किया था इस एक्सरसाइज को। सो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाली थी फ्रांस। सो 3rd एडिशन कंडक्ट हुआ था इंडियन ओशियन में, मेनली इंडो पैसिफिक में। जो हमारी इनका जो मेनली यहाँ पर ना ऑस्ट्रेलिया की नेवी, फ्रेंच की नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज नेवी, जो साथ में यूएसए की नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया भाई। ठीक है। सो ओनली पूछेंगे जो लाप्रोस एक्सरसाइज थी किसने यहाँ पर होस्ट की। सो किसने ऑर्गेनाइज की? फ्रांस ने की। कहाँ पर की? इन द इंडियन ओशन में। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि जोधपुर में कंडक्ट हुई थी, बताओ इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। सो ये कंडक्ट हुई थी इंडिया एंड साथ में सिंगापुर के बीच में। 13 इसका एडिशन था, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुई थी। और मेनली ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कंप्यूटर वॉर गेम्स हैं उनको बारे में यहाँ पर वेलफेयर को बनाने के लिए। और सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भी हम कंडक्ट करते हैं विद सिंगापुर के साथ में, और साथ में अग्नि वॉरियर। अजय वॉरियर किसके साथ में? यूके के साथ। अग्नि वॉरियर विद सिंगापुर के साथ। देन एक्सरसाइज दस्तलिक जो इंडिया और उज्बेकिस्तान में हुई थी, 4th एडिशन कंडक्ट हुआ था इन दी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। सो फरवरी मंथ में ये कंडक्ट हुई थी। ओके जी। सो यहाँ पर ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर रीड करना चाहो तो कर भी सकते हो। भी गढ़वाल राइफल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ओके। और कैपिटल यहाँ पर हमारी उज्बेकिस्तान की ताशकंद, और करेंसी यहाँ पर सोम, उज्बेकिस्तानी सोम। साइक्लोन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। इसका 1st एडिशन था 2023 में कंडक्ट हुआ था, इजिप्ट के साथ में हमने कंडक्ट की थी इन दी राजस्थान जैसलमेर में। सो यहाँ पर ना 2023 में जो 26 जनवरी की हमारी परेड थी, वहाँ पर जो इजिप्ट के जहाँ पर इनके प्रेसिडेंट हैं एलसीसी जी, उन्होंने यहाँ एज अ चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट किया था। प्रलय नाम की जो एक मिसाइल है वो हम उनको यहाँ पर आने वाले टाइम में प्रोवाइड करेंगे। स्विज कनाल भी कहाँ पर पड़ती है? इन दी इजिप्ट में। ठीक है जी। देन धर्मा गाजियन जो हमारा 4th एडिशन कंडक्ट हुआ था 2023 में, जो कि इंडिया और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके जी। सो 2023 में जापान में कंडक्ट हुई। 2022 में कहाँ पर हुई थी? इन दी बेलगाम कर्नाटका में। और साथ में वीर गाजियन नाम की एक्सरसाइज भी हम इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट करते हैं। ये भी हमारी 2023 में कंडक्ट हुई थी इन दी जापान। और अवनी चौधरी जो कि हमारे 1st फीमेल पायलट हैं, फाइटर पायलट हैं, मीन्स के सुजुकी जो हमारा प्लेन है उसको उड़ाते हैं भाई। सो उसने 1st ऐसे वुमेन बन चुके हैं जो कि इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले फ्रॉम द इंडिया। ठीक है। देन यहाँ पर देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी इंडियन आर्मी एंड ओमान की आर्मी के बीच में, बताओ उसका नेम। सो उसका नेम यहाँ पर क्या है? अल नजा। अल नजा। सो अल नजा फॉर इंडिया आर्मी एंड रॉयल आर्मी के बीच में कंडक्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है जो प्रीवियस ईयर कंडक्ट हुई थी इन दी बीकानेर राजस्थान में। और जो कि अल बहर एक नेवी एक्सरसाइज है, जो कि नसीम अल बहर जो नेवी है, और जो अल नजा जो कि हमारी एक आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि ओमान और इंडिया के बीच में। दोनों का नेम, एक्सरसाइज का नेम ध्यान में रखो, यहाँ से नेम पूछने के चांस है इससे। देन इनोचोस, इसको रीड करना इनोचोस, जो ग्रीक एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट हुई थी। ठीक है जी, सो मेडिटेरियन सी में इसको कंडक्ट किया गया था। सुजुकी 30 F-16 राइफल जेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, अप्रैल मंथ में कंडक्ट हुई थी। ग्रीस की कैपिटल एथेंस, जहीं से आपको पता होगा ओलंपिक स्टार्ट हुए। कॉन्टिनेंट यहाँ पर यूरोप एंड PM ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन अफ्रीका इंडिया के बीच में जो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी एफिंडेक्स 2023 की, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी बताओ? सो ये कंडक्ट हुई थी दी पुणे में। सो पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है। सो अफ्रीकन यहाँ पर साथ ही में 25 कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अगर पूछे डस्ट लीग इंडिया उज्बेकिस्तान में बीच में, और डेजर्ट फ्लैग विद दी यूएई के साथ। एफ इंडेक्स देखो, इंडिया 25 अफ्रीकन कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, पुणे में कंडक्ट हुई। MUSI 2 भी न्यूज़ में थी भाई। साउथ अफ्रीका रशिया और चाइना के बीच में कंडक्ट हुई थी इंडियन ओशन में। ये न्यूज़ में क्यों थी? सो इसके बाद में ना जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें साउथ अफ्रीका को डाल दिया गया। सो साउथ अफ्रीका ने अपने रिलेशन को रशिया के साथ में दिखाने की कोशिश की, देन उन्होंने ये किया। देन देखो कोबरा वॉरियर, मैं बताया ना आपको ये कोबरा वॉरियर जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो मल्टीनेशनल है। इंडिया सिंगापुर USA साउथ अफ्रीका फिनलैंड स्वीडन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया विद UK के साथ में। UK ने ही इसको होस्ट किया था। ठीक है जी। देन शिंजो मित्री, बताओ शिंजो तो सभी को पता है भाई, शिंजो आबे जो कि कहाँ के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जापान के। सो शिंजो जो मित्री है विद इंडिया एंड जापान के बीच में कंडक्ट हुई थी। सो C-17 ग्लो मास्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देन कोंकण देखो, इंडिया और UK के बीच में कंडक्ट हुई, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैंने बताया था ना आपको कोंकण तो मैरीटाइम है। अजय वॉरियर कौन सी है? अजय वॉरियर मिलिट्री है, और इंद्रधनुष जो कि एयरफोर्स है, और कोबरा वॉरियर एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। सो सभी यहाँ पर ना मैंने इकट्ठे डाल दिए, इनको रीड कर लो भाई। UK के साथ में जो भी कंडक्ट हुई थी। देखो फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड एक जॉइंट एक्सरसाइज है, कंडक्ट हुई थी 5 ईयर के बाद में। सो यहाँ पर इंडिया का रोल नहीं है भाई, बताओ कौन सी कंट्री के बीच में हुई? सो इंडिया का रोल नहीं है। देन यहाँ पर किस में बीच में होगी? साउथ कोरिया एंड USA के बीच में। सो फर्स्ट टाइम इसको किया गया था आफ्टर दी 5 ईयर के बाद में। सो यहाँ पर ना आपको पता होगा चाइना का थ्रेट, नॉर्थ कोरिया का थ्रेट, दैट्स वाई जे अब कर रहे हैं। देन ब्लिकटन जो कि USA और फिलीपींस के बीच में एक लार्जेस्ट इवेंट हुआ था जॉइंट मिलिट्री को लेकर, ड्रिलिंग। सो साउथ चाइना सी में कंडक्ट हुई थी, यहाँ पर भी इंडिया का रोल नहीं है। सो मेनली ध्यान में रखियो जो USA के और फिलीपींस के बीच में कंडक्ट हुई थी ब्लिकटन नेम की एक्सरसाइज। देन प्रस्थान जो कि इंडियन नेवी के द्वारा इन जो कि मुंबई कोस्ट पर मेनली सर्वेलेंस के लिए, साथ ही में एक पुलिस कस्टम फिशरी डिपार्टमेंट मुंबई पोर्ट अथॉरिटी सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ड्रिलिंग की थी मेनली तो। ठीक है। देन स्लाइनेक्स, बताओ किसके बीच में करते हैं भाई? स्लाइनेक्स करते हैं विद श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में, एक नेवी है, नेवी एक्सरसाइज है। सो कोलंबस श्रीलंका में कंडक्ट हुई थी 2023 में, 10th इसका एडिशन था। सो यहाँ पर देखो INS किल्टन एंड INS कवित्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ओके। देन देखिए भाई दोस्ती ट्राइलेटर एक्सरसाइज है, जे पहले आया हुआ पेपर में क्वेश्चन, अब नहीं आया, प्रीवियसली पहले पेपर में आया हुआ है। बताओ किन के बीच में कंडक्ट होती है ये एक्सरसाइज? दोस्ती ट्राइलेटर एक्सरसाइज है, 3 कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। बताओ कौन कौन सी? देखो यहाँ पर इंडिया करेगा, श्रीलंका करेगा, साथ ही में मालदीव्स, यहाँ पर बांग्लादेश का कोई भी रोल नहीं है भाई। ठीक है। देन देखो ये रिवाइज कर सकते हो, प्रलय की थी हमने। सो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी। सो मेनली इंडिया के बीच में हुई थी। तर्कश कहाँ पर हुई थी? जो कि USA के बीच में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में। बीर गाजी ने भी थी जापान के साथ में, नेवी हमारी एयरफोर्स है, फर्स्ट एडिशन था। देन बरुना जो एक नेवी एक्सरसाइज है, फ्रांस के साथ में हमने कंडक्ट की थी। साइक्लोन इजिप्ट के साथ में, फर्स्ट एडिशन था। ऑप्स अलर्ट जो ना एक हमारी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो मेनली रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करती हैं इन दी गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू एंड कश्मीर में। सो उनके द्वारा एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था 26 जनवरी के नियर। देन इम्बैक्स जो कंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी के द्वारा। सो यहाँ पर देखो बरुणा जो ये फ्रांस के साथ में कंडक्ट करते हैं, बरुणा नेवल है, गरुड़ा एयर है और शक्ति कौन सी आर्मी, ये फ्रांस के साथ में हम कंडक्ट करते हैं भाई। देन देखिए ये थोड़ा सा ना ये पेपर में आने के चांस क्यों है, थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लीटर बन जाता है भाई। गरुड़ा शक्ति, मित्र शक्ति, गरुड़ा शील्ड, समुद्र शक्ति, सो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। गरुड़ा शक्ति जो कि इंडिया एंड साथ में इंडोनेशिया के बीच में कनेक्ट करते हैं। मित्र शक्ति देखो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। देखो गरुड़ा शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में, और शक्ति एक्सरसाइज विद दी फ्रांस के साथ में। अब देखो गरुड़ा शील्ड, गरुड़ा शील्ड में इंडिया का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर इंडोनेशिया एंड यूएसए पार्टिसिपेट करेंगे। देन समुद्र शक्ति, बताओ अभी दिखा था हमने इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति एंड गरुड़ा शक्ति विद दी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, जहाँ पर नेवी पार्टिसिपेट करेगी भी, यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज पार्टिसिपेट करेंगी। देन मित्री इंडियन आर्मी एंड साथ ही में यहाँ पर थाईलैंड के बीच में। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। सो भाई आज की ब्रदर वीडियो कंप्लीट है आपके लिए। जो भी अच्छा कंटेंट था मैंने प्रोवाइड किया। प्लीज़ अपना जो प्रीशियस कमेंट है कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको पता चल रहा है अब कमेंट जो हमारा चैनल है ग्रोथ करने को स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव कंटेंट भी जो कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। सो जब नेगेटिव आएंगे देन आपको पता है भाई चैनल ग्रोथ करेगा। सो आपकी दुआओं से अब चैनल ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुका है। प्लीज़ अपना प्रीशियस कमेंट डालिए, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो। सो हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।